गुड मॉर्निंग। आज हम एमएड फोर्थ सेमेस्टर का अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक शिक्षा। बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है? प्रोफेसर फिगू ने कहा है कि बेकारी विभिन्न शब्दों में से एक है जिनका कारण व्यक्ति प्रयोग करते हैं तथा जिसके साधारण अर्थ लगभग सभी जानते हैं, परंतु इसकी ठीक व्याख्या कर पाना कुछ कठिन है। क्या हम बेकार व्यक्तियों के उन लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं जो सुस्त हैं या काम नहीं करना चाहते हैं? डीआर सक्सेना ने कहा है कि एक व्यक्ति को जो काम करने के योग्य है और काम करना चाहता है, उसे देश में प्रचलित मजदूरी की दर पर काम न मिलने की अवस्था को बेरोजगारी कहेंगे। कार्ल पीवॉम के शब्दों में, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें व्यक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। इसकी विशेषताएं हैं, आर्थिक आधार पर निष्क्रिय को ही बेकारी कहा जा सकता है। यदि काम करने वाले को उसकी योग्यता से बहुत कम आर्थिक लाभ प्राप्त होता है तो वह भी बेरोजगारी या बेकारी कहलाएगी। भारत में बेकारी के स्वरूप या प्रकार, आकस्मिक या मौसमी बेकारी, प्रौद्योगिक बेकारी, अस्थायी बेकारी, ऐच्छिक बेकारी, चक्रीय बेकारी, पूंजी साज सामान और इसी प्रकार से अन्य साधनों से कमी से उत्पन्न बेकारी, अनैच्छिक बेकारी या अर्ध बेकारी, गांव में बेकारी, नगरी बेरोजगारी, अल्प समय की बेकारी, गुप्त बेरोजगारी, अधिक समय तक रहने वाली बेकारी, स्त्रियों में पाई जाने वाली बेकारी, भारत में रोजगार की वर्तमान स्थिति। बेकारी के कारण है व्यक्तिगत कारण, आयु, व्यावसायिक अयोग्यता, बीमारी या शारीरिक अयोग्यता, कृषि का पिछड़ापन, कुटीर उद्योगों का पतन, उद्योग धंधों का पिछड़ापन, उत्पादन कार्यों में आधुनिक यंत्रों का जोर, भारतीय जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि, योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई योजना, उदारीकरण, निजीकरण के कारण भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण है, शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रणाली, विश्वविद्यालय, स्नातक महाविद्यालय तथा तकनीकी प्रशिक्षण महाविद्यालयों की भरमार, उचित तकनीकी शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी के परिणाम में प्रभाव, बेकारी और व्यक्तिगत विघटन, अनुभवी और बेकार व्यक्ति, बेकारी और खराब स्वास्थ्य, बेकारी और पारिवारिक विघटन। थैंक यू।